पैसा बनाना बहुत इजी है, शॉकिंग लग रहा है, हाँ इजी है, मैं कर रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। ओके, पांच तरीका है, आपको पांच स्टेप फॉलो करना है जिसके थ्रू आप इजीली पैसा बना सकते हो। इसमें रियल स्मार्ट होना है, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट। देखिए जहाँ तक अपना दुनिया है, यहाँ पे सब लोग क्या करते हैं, पहला स्टडीज करते हैं, फिर या इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करते हैं, कुछ ऐसा वैसा काम करते हैं, राइट। ये करने के बाद फिर मार्केट में जाके जॉब ढूंढते हैं या बिजनेस करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं, ये तरीका ही गलत है। जितना इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है सब करके वो एग्जैक्टली जो जॉब चाहिए उनको मिलता नहीं, हमेशा जॉब ढूंढते रहते हैं। ओके, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, क्या करूँ, जॉब है क्या देखते हैं, क्योंकि ये मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है वो देखा नहीं, उन्होंने पढ़ के आके फिर ढूंढते हैं मार्केट में। असली बात ये होना चाहिए कि मार्केट में पहले सर्च करना चाहिए कि एग्जैक्टली मार्केट में डिमांड क्या है, लोगों को क्या डिमांड है। देखिए जैसे किसी का वेट लॉस हो सकता है, या किसी का यू नो बॉडी बिल्डिंग हो सकता है, या फिर यू नो रिलेशनशिप्स हो सकता है, या उनका बिजनेस बराबर नहीं चलता होगा, या और बिजनेस में एक पर्टिकुलर चीज़ है उनको चाहिए वो वाला होगा, वैसा एक एक सर्विस चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो पहले जाके ये चेक करना है कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी जो क्या चाहिए उनको, राइट, ये वाला हो गया। फिर मार्केट में तो बहुत सारा डिमांड है ना, किसी को केक बनाना है, किसी को ड्राइंग करना है, और या कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन वो जो काम के लिए वो कितना रुपए देंगे आपको, ठीक है ना। अभी इंग्लिश स्पीकिंग हो गया तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या लाख रुपए देंगे कोई, राइट, नहीं होगा। या पर्सनल डेवलपमेंट है तो कितना देंगे, लाख रुपए देंगे उसमें, नहीं। तो आपको एक स्पेसिफिक चीज़ होना चाहिए जिसके थ्रू लोग आपको बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। वैसा एक पता चलना चाहिए कि क्या है। स्टेप नंबर थ्री कि आपको पता करना है कि कितना रुपया उस चीज़ के लिए आप पे करेंगे, राइट, थर्ड वाला। फिर एक बार हो गया, फिर आपको जाके टेस्ट करना है, उसके ऊपर पूरा पढ़ाई करना है, उसके ऊपर स्टडीज करना है, उसको लोगों के साथ टेस्ट कर करके देखना है, राइट है। ये फोर्थ हो गया, और पांचवा हो गया, उसके बाद जाके आपको मार्केट में बेचना चाहिए, क्योंकि आप वही चीज़ बेच रहे हो, आप वही सर्विस दे रहे हो, वही पढ़ा रहे हो, वही सिखा रहे हो, जो मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है, आपने ऑलरेडी रिसर्च करके आया। फाइव स्टेप्स, इससे आप धमाल कर सकते हो अपना मनी। इसके लिए आपको एक्सपर्ट होना, राइट। और ओके, मेरा स्टोरी बताता हूँ, मैं दो चीज़ करता हूँ इसमें, जो भी थोड़ा सा कंप्यूटर नॉलेज है या फिर यू नो ऑनलाइन थोड़ा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अगर नहीं वो तो भी सिखा सकते हैं, इनको सिखाता हूँ और मैं उनको एक चीज़ में एक्सपर्ट करता हूँ, और वो लोगों को कोचिंग कर सकते हैं, यू नो ट्रेनिंग कर सकते हैं वन टू वन, और जिससे उनको लाख रुपया, 50,000 रुपया, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया एक क्लाइंट पे कैसे कमाना है, ये चीज़ मैं उनको सिखाता हूँ, राइट। एक हो गया। सेकेंड, अभी बहुत सारे कंपनीज है जो स्टार्टअप करते हैं, कंपनी 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, बस वही लेवल पे रुका है, उसके आगे चला नहीं, राइट। तो मैंने देखा कि ऐसा बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो स्टार्ट करते हैं, उसके आगे गाड़ी चलता नहीं है, तो मैंने उसके ऊपर स्टडीज़ किया, एंटरप्रेन्योर के बारे में, उसके वर्क्स के बारे में सब स्टडीज़ किया, मैंने मार्केट में चेक किया कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर ट्रेनर्स मार्केट में है, राइट, जो आपको 5 दिन 10 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, पता नहीं वो ट्रेनिंग कैसे देते हैं और आपका रिजल्ट कितना होगा, आपकी प्रॉब्लम कितना सॉल्व करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बल्क में सेमिनार नहीं करता हूँ, मैं कोई उस तरह का ग्रुप नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी कंपनी में जो तकलीफ है अलग हो सकती है, राइट। वो कंपनी का तकलीफ है, स्टाफ का तकलीफ है, प्रोडक्शन का तकलीफ है, मैन्युफैक्चरिंग का है, आपका सर्विस का है, या फिर आपका तकलीफ है, आपकी डिसीजन का कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन उसको सबको बुला के एक ही तरह का ट्रेनिंग देगा तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, राइट। मैं 1-to-1 इंडिविजुअल में ट्रेन करता हूँ, 1-to-1 में। ओके, तो अभी जिसका कंपनी में जो भी स्टार्टअप है, बिजनेस है, इंडिविजुअल्स हैं, वो करते करते उनका महीने का 2 लाख 3 लाख ऊपर चलता नहीं है, राइट। उनको कम से कम 10 लाख 5 लाख ऐसा कुछ उनको इनकम करना है, तो गाड़ी वहाँ पर अटक गया तो मैं उनको हेल्प करता हूँ, मैं उनको टाइम फ्रेम देता हूँ और टाइम फ्रेम में उनको वहाँ तक मैं वो रिजल्ट्स अचीव करता हूँ। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि
ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको एक दिन का ट्रेनिंग दूंगा, एक महीने का ट्रेनिंग दूंगा, तीन महीने का ट्रेनिंग दूंगा, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है। नो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि आपको जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होता, राइट, सब आपका 2 लाख का इनकम है, राइट, आपको 5 लाख का इनकम करना है हर महीना, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ तब खत्म होगा तब आपका इनकम 5 लाख हो गया तो। ओके, सो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। अभी कोई इंडिविजुअल स्टार्टअप से बोलते हैं कि मेरा खुद का मैं कोचिंग करता हूँ लेकिन मेरा ट्रेनिंग के थ्रू मैं 30-35 हज़ार के ऊपर मेरा आता ही नहीं है। ओके, तो मैं उनका पूरा एनालिसिस करता हूँ, ये क्या है, क्यों नहीं होता है, इनको क्या तकलीफ है, फिर मैं समझता हूँ कि क्या मैं इनको सच में हेल्प कर सकता हूँ, वो समझना है। अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं जाके उनको हेल्प करता हूँ, और उनको मुझे समझ में आता है कि इनका जो तकलीफ है इतना महीने में दूर कर सकते हैं, उतना महीने में दूर करना मेरा टारगेट कभी खत्म होगा। अगर बोलते हैं कि मुझे महीने का 1 लाख रुपीज इनकम करना है तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ तभी खत्म होगा मेरा 1 लाख का, उनको जब तक उनको 1 लाख नहीं मिलता तब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। आपको ये बात गौर करना है, कोई भी कोच आता है, मेंटोर आता है, गुरु आता है, उनको ये पूछो कि आप कितना समय में क्या करके दोगे, राइट, और अगर करके नहीं दोगे तो क्या, राइट, ऐसा दम है, मेंटर को पूछो ऐसा दम है तो फिर मैं आपको मैं मेंटर बनाता हूँ, राइट। एक हो गया। यहाँ पे ऐसा है नहीं है, यहाँ पे सब अब लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत सारे ना रिकी NLP लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू वांट टू दिस, यू वांट टू दैट, व्हाटएवर, ठीक है ठीक है भाई, ओके। मैं पूछता हूँ मुझे ये 3 महीने 4 महीने में या फिर आप भी एक टाइम फ्रेम बताओ मेरा मंथली इनकम कहाँ तक हो सकता है। आप जो बोलने के लिए आप बोलते हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरा इनकम बढ़ा सकते हो? नहीं नहीं, उसका सब मुझे वो आपको आपको ऊपर डिपेंड करता है। अरे मेरे ऊपर डिपेंड करता तो मुझे पता है फिर आपके पास मैं क्यों आता हूँ, राइट, कि आपके पास लिस्ट रेडी है मुझे क्या क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो भी आपके लिए मेंटोर आता है, गुरु आता है, ऐसा सो कॉल्ड कोच है, उसको एक बार पूछो कि आप कितना समय पे मेरा कितना इनकम करोगे, राइट, अगर नहीं कर पाओगे तो क्या, उसका कंडीशंस वगैरह सब कुछ आपको समझना है, तभी तभी आपका ये होगा। सो मेरे पास ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं, सर पूछते हैं क्या, हाँ सर मेरे को मेरा बिजनेस है, मेरे को ठीक करना है, कैसे करना है, फिर बोलते हैं मेरे को चाचा से पूछना है, मामा से पूछना है, मेरा मेरा भाई से पूछना है, मेरा डैडी से पूछना है, बच्चे लोग आते हैं। ठीक है, बच्चे लोग ऐसा कभी किसी से बात मत किया करो, कोई जो डिसीजन ले सकता है, राइट। मेरे पास ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं डिसीजन लेता हूँ ये ज्वाइन करूँगी या नहीं करूँगी, मैं ज्वाइन करूँगा नहीं करूँगा, मैं डिसीजन, ऐसा कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल लोग बात करना, राइट, तभी लगता है कि आपका पूरा जिंदगी दूसरे को निर्भर है। आपको जिंदगी में जो समझ में आता है आप सामने वाले को क्या एक्सप्लेन करते हो उसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपको बराबर एक्सप्लेन करना नहीं आता है वो तो मना कर देगा, फिर आपका गाड़ी वहीं पे रुक जाएगा, राइट। सो सिंपल, सो यहाँ पे करने का एक ही तरीका है, पहले आप मार्केट में पता करो कि क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, मैं क्या करने से लोग मुझे पैसा देंगे, राइट, वो आपको चेक करना है। ओके, उसके बाद वो क्वालिटीज आप अडेप्ट करो, फिर उसको टेस्ट करो सच में रिजल्ट होता है कि नहीं होता है, और वही चीज़ अडेप्ट करो जिससे आपको ज़्यादा पैसा मिले, राइट। अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, आगे मेरे पास प्रिंसिपल्स है ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग कॉल करते हैं, या बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन सेक्रेटरी बोलते हैं कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना है, मुझे इस तरह करना है, मुझे क्या करूं, राइट, फिर मैं बोलता हूं आपको मैं कितना समय दूं, और मेरा समय देगा तो मेरा भी कॉस्ट लगेगा, वो कॉस्ट देने के लिए तैयार है क्या, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपये के लिए करने के लिए, आई कैन नॉट गिव दैट मच ऑफ टाइम टू देम, राइट। सो पहले मैं पता करता हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं ये पता करता हूँ कि अगर वो मेरा फीस अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, राइट, नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद फिर को उनको वो पर्टिकुलर टाइम पे उनको वो रिजल्ट्स ला के देना, रिजल्ट ला के दिया, फीस दिया, खत्म हो गया आपका और मेरा खत्म खत्म। तो इस तरह का पहले पता करिए, और इट्स वेरी वेरी सिंपल। कॉलेज में पढ़ के फिर जाके कॉलेज इंस्टीट्यूट है ना, एनिमेशन ये वो सब करके फिर आप जाके मार्केट में करते हो, पता नहीं मार्केट में वो डिमांड है कि नहीं है, क्योंकि आप जो सीखे आते हो वो 5 मिनट में कुछ अलग हो जाता है। एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो करने के बाद आ जाता है कि वो जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ही खत्म हो जाता है, कुछ नया आता है वो फटाफट काम हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ऐसा बहुत सारे आप सीखे आते हैं, लेकिन उसके बाद पता चला एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर आया वो पूरा वीडियो खत्म किया उसको, राइट। आपने जितना साल जाके इंस्टीट्यूट में जाके सीखा है उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ। तो इस तरह का भी चीज होता है, राइट।
तो ये यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है कि पहले पता करो कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर अपने आप को डेवलप करो, फिर टेस्ट करो और वो डेवलप करो वैल्यू। मुझे हर कोई फ़ोन करके बोलता है कि सर मेरा 10,000 पगार है, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है। मैं बोला ठीक है भाई, लेकिन तू देगा क्या? कोई भी आपको पैसा कब देगा, कब आप कुछ ज़्यादा देते हो, उसका अता पता नहीं है। आप भी बताओ ना, मैं किसे बताऊँगा? ठीक है, और उस तरह का रिक्वायरमेंट के लिए चार्जेस लगेगा, फीस लगेगा, वो भी उनके पास नहीं है। ये सब पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सिंपल मैं एडवाइस आपको यही दूंगा कि पहले पता करो मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या उनको दे सकते हो और वैल्यू क्या दे सकते हो, राइट? किसी के लाइफ में आप 15 लाख 20 लाख का डिफरेंस कर सकते हो, आप उनसे 1 लाख रुपया चार्ज कर सकते हैं, खुशी खुशी आपको देंगे, राइट ना? सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, मनी मेकिंग इज़ वेरी ईजी। मैंने बहुत सारे टॉपिक आज कवर किया, होप दिस विल बी हेल्पफुल यू। थैंक यू सो मच।